तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता है नवीन ठाकुर आपका इसके पेल एक्सपीडिशंस में। तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं पहुंच चुका हूं हसीन वादियों के बीच। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी खूबसूरत वादियां हैं। और हाँ जी हाँ, मैं मनाली में ही हूं अभी। बट यहां पे एक बात बता दूं, तो एक यहां पे छोटी सी बात बता दूं कि यार अब स्नो जो है वो थोड़ा ऊपर जा चुकी है, क्योंकि पिछले दो चार दिनों में अच्छा स्नोफॉल नहीं हुआ है, तो काफ़ी ऊपर जा चुका है इस साइड स्नो। तो अगर आज जैसे अभी बारिश हो रही है यहाँ पे मेन मनाली में, तो हवा भी आप देख सकते हैं और थोड़ी बहुत ही कम बारिश हो रही है अभी। तो अगर ये थोड़ा बढ़ जाती है और स्नोफॉल हो जाता है, तो फिर से बहुत अच्छा स्नोफॉल देखने को मिलेगा मनाली में। पूर्व और पलचान से मैं आगे हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल एक कतरा स्नो नहीं है। जहाँ पे धूप नहीं लगती तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्नो मिलेगी। बट तो यहाँ पे मेन मुद्दा होता है कि भाई अभी मनाली में आएँ और कहाँ पे हम स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं, स्नो एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई देखो, सोलांग वैली में अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। अगर मेरे पीछे की बात करूँ तो उधर है सोलांग वैली, तो सोलांग वैली साइड स्नो काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी। और अभी जाएंगे हम थोड़ी देर बाद वहाँ, बट उससे पहले मैंने सोचा यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ। तो खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो आप अभी मनाली का। उधर भी स्नो है, इधर भी स्नो है, बस थोड़ा आपको हायर रीजन में जाना पड़ेगा स्नोफॉल के लिए। उधर देखो स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है सोलांग वैली साइड। तो थोड़ी देर बाद ले जाऊँगा आपको सोलांग वैली। बट ये है कि जो आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग बता दूँ, तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं यार आजकल भाई 31 के दिन मनाली खुला होगा नहीं होगा। तो बता दूँ बिल्कुल खुला होगा, बिल्कुल चल रही है। देखो गाड़ियाँ चल रही हैं, जितनी भी सारी ये गाड़ियाँ हैं सारी टूरिस्ट की जा रही हैं मेरे पीछे गाड़ियाँ। और आपके लिए कोई कर्फ्यू नहीं है, कर्फ्यू जो ओवरऑल है 9 बजे के बाद कर्फ्यू है। और आप कभी भी आ सकते, रात को दिन को कभी भी आओ, कोई दिक्कत कोई नहीं पूछने वाला आपको। और आप सीधा होटल में चाहे दिल्ली से रात को चलो चाहे सुबह चलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी जाएंगे हम मेन उस स्नोफॉल में और देखते हैं कि कितना एक स्नोफॉल हो रहा है। और पार्वती वाली वैली में भी काफ़ी अच्छा स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, तो पार्वती वैली अगर आप जाना चाहोगे तो वह के बाद सोलांग वैली की तरफ चले, उस ग्राउंड की तरफ। तो वो देख के परेशान हो गए यार, नीचे से काफ़ी दिख रहा था कि सोलांग वैली साइड स्नोफॉल हो रहा है, बट वो सोलांग वैली में नहीं हो रहा था, बल्कि सोलांग वैली से भी ऊपर स्नोफॉल हो रहा था। तो फ्रेंड्स, ये आज का कुछ ऐसा नज़ारा है, बट कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा नज़ारा था। खूबसूरत, चारों तरफ स्नो ही स्नो और स्नो में खेलते हुए लोग। बट डोंट वरी, ये सिर्फ आज के लिए ऐसा है, एक दो दिन में फिर से स्नोफॉल हो जाएगा और हर जगह कुछ ऐसा ही नज़ारा मिलने वाला है आपको। तो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच चुके हैं हम सोलांग वैली। और यहाँ पे एक छोटी सी बुरी खबर भी है, तो अभी स्नो की बात करूँ तो बिल्कुल ख़त्म है यार स्नो। तो लगभग 2% बची है मेन मैदान में, जैसा कि आप देख सकते हो, तो बहुत कम बची है स्नो यार, बहुत कम। बस थोड़ी इधर है, अगर आपको ज़्यादा स्नो चाहिए तो आपको अंजनी महादेव की तरफ जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। तो डोंट वरी, अभी बारिश हो रही है, तो अगर रात तक अच्छी बारिश हो जाती है, मींस रात को अगर और भी टेम्परेचर गिरेगा तो स्नोफॉल बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर सुबह तक वैसा ही रहा तो यहाँ पे आधा से एक फुट फिर से बर्फ़ हो जाएगी। तो बस आने वाले 3-4 दिनों में शायद यहाँ पे अच्छी स्नो मिलेगी आपको। चांसेस हैं, लगभग प्रोबेबिलिटी हैं 60-70% होने की कि अभी थोड़ी देर बाद 1 बजे के बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ऊपर जो है, ऊपर देख सकते हो आप स्नोफॉल, उधर जितने भी ये रेंजेज़ हैं सब जगह स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। तो अगर स्नोफॉल देखना है तो आपको कोठी से ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ तो 100% स्नोफॉल मिलेगा ही मिलेगा आपको। बट अगर स्नो की बात करूँ तो स्नो तो अभी सोलांग वैली में भी नहीं है, बट काफ़ी कुछ दिनों पहले यहाँ भयंकर स्नोफॉल हो रहा था, जैसे अभी देख रहे हो। तो ये 10-15 दिन पहले का है, तो बहुत अच्छा स्नोफॉल हो रहा था। और देखो कुछ एक मिनट में ये ग्राउंड पूरी तरह भर जाता है यार। तो बस ज़्यादा नहीं 3-4 घंटा अगर यहाँ पर स्नोफॉल हो जाए तो भाई मज़ा आ जाए। तो बाकी पैराग्लाइडिंग वैसी चल रही है, उसके लिए कोई स्नोफॉल की ज़रूरत नहीं है कि स्नोफॉल चाहिए तभी पैराग्लाइडिंग होगी।
तो पैराग्लाइडिंग हो रही है और उधर देखो ट्यूब राइड, ये तो उड़ गया। बड़ी जोर की लैंडिंग हुई यार उस लड़की की, बट ये ट्यूब राइड में मज़ा ले रहे हैं। तो यहाँ सोलांग वैली में ट्यूब राइड में ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी लंबी होती है। और अगर रोप वे की बात करूँ तो भाई ये रोप वे टोटली बंद है अभी, आई डोंट नो कब खुलेगा, बट आजकल चल नहीं रहा ये रोप वे। पिछली बार आया था तब भी नहीं चल रहा है, इस बार भी नहीं, तो शायद जब टूरिस्ट ज़्यादा होंगे शायद तभी चलेगा, तो अभी उतने टूरिस्ट भी नहीं हैं। अगर यहाँ की बात करूँ तो 500 से 1000 होंगे। और दूसरी बात बताऊँ कि आजकल वीकेंड भी नहीं है, तो वीकेंड पे तो यहाँ पे खुल के होता है, तो जैसे ही वीकेंड आएगा सैटरडे फ्राइडे सैटरडे आएंगे संडे आएगा तो बहुत मस्त रश हो जाता है। बट हाँ स्नोफॉल लेना है तो आप ऊपर जा सकते हो, यहाँ थोड़ा पैदल चल के इस तरफ जाओ, थोड़ा देर पैदल चलो तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको स्नोफॉल का एंजॉय लेने के लिए। तो फ्रेंड्स ये है 9 दिसंबर, सोलांग वैली में कुछ ऐसी हालत है, तो आने वाले कुछ दिनों में आएगी, बट मैं अभी आपको वहाँ ले जाऊँगा जहाँ पर स्नो पड़ी है और काफ़ी अच्छी, और जहाँ आप स्नो के साथ खेल सकते हो और अपने आँखों को यू नो शांत कर सकते हो। तो चलिए उस तरफ चलते हैं, बट ज़्यादा दूर नहीं है सोलांग वैली से, आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा अंजनी महादेव की तरफ। तो पिछले कल बारिश हुई थी जिसके कारण जितनी भी स्नो थी काफ़ी ज़्यादा स्नो उसकी वजह से चली गई, तो बस बारिश नहीं होनी चाहिए, अगर डायरेक्ट स्नोफॉल होता तो स्नो और ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर बारिश होगी तो घट जाएगी। बट फिंगर क्रॉस रात को स्नोफॉल अच्छा होगा और कल तक परसों तक आपको स्नो ज़्यादा मिलने को ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स सोलांग वैली से बस थोड़ा ही दूर 2 मिनट की दूरी में सोलांग स्की सेंटर के साथ में बिल्कुल यहाँ आपको स्नो मिलेगी और काफ़ी अच्छी है यार, कम से कम 3 से 4 इंच मिलेगी जहाँ पे आप अपनी स्नो एक्टिविटी कर सकते हो, छोटी मोटी मीन स्नो में खेल सकते हो, कूद सकते हो, अपने बच्चे के साथ लोट पोट हो सकते हो यहाँ पे। और व्यू भी काफ़ी अच्छा शानदार है, फ़ोटोज़ लेने के लिए सबसे बेस्ट जगह यही होगी, और यहीं से ऊपर अंजनी महादेव को भी जा सकते हो आप। ये देखो बच्चा कैसे खेल रहा है उधर, तो फैमिलीज़ के लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि यहाँ आए और घूम फिर के एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा स्नैक लेंगे, मोमोज खाएंगे, गर्मा गर्म मोमोज इस चिल्ड वाली ठंड में, मोमो का मज़ा लेंगे सोलांग वैली के पास खाने का। तो अब पहुंच चुके हैं माल रोड मनाली में, और मनाली में यहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है अभी, और अगर बारिश ऐसी रही तो लगभग रात को 10-11 बजे के बाद जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है 0 के आसपास, तो यहाँ पे भी स्नोफॉल स्टार्ट हो सकता है। बट कल भी मौसम ख़राब है, परसों भी, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी चांसेस हैं कि मनाली मेन मनाली तक स्नोफॉल हो जाए। जैन और फैब हैं जो मेन मनाली में स्नोफॉल होता है, मींस माल रोड में, बाकी उससे पहले तो सोलांग वैली की साइड आपको स्नो तो मिल ही जाएगी। तो बस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आएगा वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ।